कांग्रेस की जो दशा या दुर्दशा थी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। अगर आपके 50-55 एमपी थे वो बढ़कर 100 हो गए। पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है उसका भी उनको फायदा मिला है। कांग्रेस में उनका नेतृत्व अब पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है। राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर एस्टेब्लिश हो गए हैं, देश के लीडर अभी नहीं हुए हैं। राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी जीत जो है, जिसको बताया जा रहा है सबसे बड़ी जीत, उसमें कांग्रेस को 99 सीट मिला है। देश के नेता के तौर पर उभरने के लिए अभी भी राहुल गांधी को एक लंबा फासला तय करना है। राहुल गांधी का जो रिबॉर्न हुआ है एज अ एलओपी, कैसे देखते हैं आप? नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ इम्पैक्ट उसका? नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो दशा या दुर्दशा थी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। अगर आपके 50-55 एमपी थे वो बढ़कर 100 हो गए, तो निश्चित तौर पर आपकी ताकत बढ़ी है। और जो पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है उसका भी उनको फायदा मिला है। और इसका फायदा ये है कि कांग्रेस में उनका नेतृत्व अब पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है। जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो लीडर हैं, कार्यकर्ता समर्थक हैं, उनको ऐसा लगता है, शायद वो विश्वास भी उनको, कि राहुल गांधी कांग्रेस को आगे लीड कर सकते हैं, कांग्रेस को वापस उसके ग्लोरी डेज में ला सकते हैं। उस बात को राहुल गांधी के अपने 2 साल के प्रयास ने सेटल कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर एस्टेब्लिश हो गए हैं, देश के लीडर अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी की, उनकी जो दादी थी इंदिरा जी की जब जीवन में सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, तो मुझे लगता है कांग्रेस को उस समय 154 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो इंदिरा जी के जीवन की सबसे बड़ी हार में कांग्रेस को 154 सीट मिला था। और राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी जीत जो है, जिसको बताया जा रहा है सबसे बड़ी जीत, उसमें कांग्रेस को 99 सीट मिला है। तो ये फर्क है, ये दिखाता है कि देश के नेता के तौर पर उभरने के लिए अभी भी राहुल गांधी को एक लंबा फासला तय करना है। अपील करेंगे 2 तारीख को, आपका स्थापना है लोगों से, बिहार की जनता से 2 तारीख को? नहीं, कोई अपील नहीं करेंगे। जो अपील पिछले 2-2.5 साल से करते रहे हैं कि आप एक बार अपने बच्चों के लिए जगिए, बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए ड्राइंग रूम में बैठकर, दुकान पर, चौक पर बैठकर चर्चा करने से नहीं होगा। अगर आप बिहार में व्यवस्था सुधारना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, जुड़कर कंधा लगाइए। जब तक बिहार के लोग खुद से प्रयास नहीं करेंगे तो दूसरे लोग, कहीं केरल से, तमिलनाडु से लोग आकर बिहार नहीं सुधार सकते हैं। प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं इतना ही अपील करूंगा कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं तो बिहार में नया विकल्प, जो जनता का विकल्प हो, एक बेहतर भविष्य की गारंटी हो, इस विकल्प को बनाने में अपना कंधा लगाइए, आगे बढ़िए। पैसे की, जाति की, बाहुबल की, इस तरह की चिंता न करें। एक बार आप साथ में आएंगे, जन बल के आगे कोई बल नहीं है, अगर लोग साथ में आएंगे तो मेरा पूरा यकीन है बिहार में नई व्यवस्था बनेगी, बिहार के बच्चों के भी जीवन में खुशहाली आएगी, बिहार में भी एक नया सवेरा होगा।